सबका दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से और कमाल और फ्रेश वीडियो के साथ। तो दोस्तों मैं उषारण और आप देख रहे हैं टेक्निकल व्यू। तो दोस्तों आज की ये वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जहां जो एक ये एप्लीकेशन जो गूगल की तरफ से बनाया गया है बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों, क्योंकि हमें जरूरत पड़ता है जब भी यूट्यूब में काम करता है तो फ्यूचर में काम आ जाता है। क्या काम आ जाता है कि जैसे कि हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें इसमें ऐड करना होता है, जैसे कि बैंक अकाउंट हो गया, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, हर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह हो गया, तो ये हमें ऐड करना पड़ता है जैसे कि एडसेंस के लिए, एडसेंस पे अप्रूवल के लिए, तब हम पैसा कमा सकते हैं यूट्यूब से। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जो है एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, ऐसी एप्स जो बहुत ही जबरदस्त काम करने वाला है। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ से, जो कि बहुत ही अच्छा ऐप्स है। दोस्तों आपको आपको जानकारी नहीं है तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्कैनर का ऐप देखे होंगे जो कि स्कैन करने के लिए, फोटो खींचने के लिए, जो कि स्कैनर टाइप का जो ऐप्स होता है, जैसे कि फोटो किया जाता है, जैसे कि स्कैन करके फोटो स्कैन किया जाता है जो कि आप उसको सेव करके रखते होंगे, इससे भी कहीं गुना ज्यादा बेहतर। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, आप उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को भी ये बहुत ही पसंद आएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों आप मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके दोस्तों सबसे पहले मैं उस एप्लीकेशन के पास चले जाता हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ से आप लोग को यहाँ से साफ साफ दिखाऊंगा। तो आपको अब ज़्यादा चीज करने की, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो ओके ओके फाइन। तो यहाँ से सबसे पहले उस एप्लीकेशन पे जाना होगा दोस्तों। मैं उस एप्लीकेशन को आपको सीधा प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फोटो स्कैनर है दोस्तों उस एप्लीकेशन का, फोटो स्कैनर गूगल प्ले फोटो टाइप का है, ठीक है, फोटो स्कैनर। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें क्लिक कर लूंगा दोस्तों, उसके बाद मेरे हाथ में एक क्या होगा, मेरे हाथ में एक होगा पासबुक, बैंक अकाउंट का पासबुक। एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं दोस्तों, मेरे हाथ में एक बैंक अकाउंट का पासबुक, मैं बस बैक फ्रॉम बैक पेज का मैं इसको स्कैन करके दिखता हूं आपको। इस तरह इस टाइप का आपको ऑप्शन शो करेगा दोस्तों। देखिएगा मैं इसको क्या करूंगा, ऐसे करके हाथ में रखे हुए मैं इसको यहां से स्कैन कर लूंगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो बहुत ही कमाल का है दोस्तों, आपको भी बहुत ही पसंद है। चाहे थोड़ा सा अंधेरा क्यों ना हो लेकिन इसको आप क्लियर कर सकते हैं, इसमें बैक लाइट कर सकते हैं, देखिए इसमें लाइट बना सकते दे सकते हैं, इसको काट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से लाइट दे सकते हैं, ठीक है, या आपका मर्जी, यहाँ से लाइट बना सकते हैं, किस मूड में आप रखना चाहते हैं ये आपका मर्जी जो है, ठीक है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा आपको धुंधला सा नजर आता है, थोड़ा आपके पास लाइट कम है, तो यहाँ से लाइट देखिए आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे जुनून है। और ये एक चीज मुझे यहाँ से बहुत पसंद आया, क्या, तो ये जब भी यहाँ से किसी भी तरह आप यहाँ से फोटो खींच लोगे ना, तो इसको आप पूरा पेज को एडिट कर सकते हैं, ये सबसे मुझे पसंद है। और क्लियर आ जाता है पूरा पूरा साफ, फुल एचडी अल्ट्रा एचडी में आपको मिल जाता है। जैसे कि आप कोई भी स्कैनर से स्कैन करके आते हैं बाजार शॉपिंग शॉप में जाके स्कैन करते हैं, उसी तरह आपको भी यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आप जो एग्जांपल के लिए मैं इसको स्कैन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इसका पासबुक को तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। देखिएगा आपको जैसे इसमें क्लिक करेंगे आपको इस तरह का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ क्या करना है दोस्तों, आपको इस तरह का यहाँ लेके जाना है, तो इसमें क्लियर करना है, इसको कंप्लीट करना है। देखिए इसमें गोल करके इसमें सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल को कंप्लीट करना होता है दोस्तों। जैसे इसमें क्लिक कर दोगे दोस्तों, देखिए आप ये सेव हो रहा है। देखिए मैं इसको फिलहाल अपने पासबुक को रख लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसमें सेव हुआ कहाँ देखता हूँ। देखिए इसमें इस प्रकार का सेव हुआ है, देखिए आपको इस तरह का ऑप्शन शो कर रहा है। इसको हमें सीधा बनाना कैसे है, आप बात आती है इसमें। इसमें सीधा बनाने के लिए बस एडजस्ट कॉर्नर पे जाना है। अगर डिलीट करना चाहते हैं आप यहाँ से सीधा डिलीट कर सकते हैं, या तो रोटेट घुमाना चाहते हैं तो रोटेट कर सकते हैं। मैं सीधा एडजस्ट पे जाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। उसका देखिए पूरा पेज इसमें शो कर रहा है आपको, है ना, पूरा पेज इसमें शो कर रहा है। उसका क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एडिट करके आप सिंपली एडिट कर सकते हैं, जैसे कि जैसे भी करना चाहते हैं आप। मान लीजिए इसको ऐसे करना चाहते हैं, देखिएगा इसमें आप ऐसे घुमा सकते हैं, या तो आप इसको थोड़ा सा आगे इसको यहाँ लेके आना चाहते हैं तो लेके आ सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ लेके आना चाहते हैं तो लेके आ सकते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ पूरा पेज इसमें। जैसे मैंने फोटो खींचा था दोस्तों वहाँ पे पूरा पेज नहीं आया था, लेकिन यहाँ से एडिट करके पूरा पेज आ जाता है। देखिए इसमें देख सकते हैं पूरा पेज आ गया इसमें, देखिएगा। तो इसमें थोड़ा सा एडिट करके मैं इसको पूरी तरह इसमें सेव कर लूंगा, देखना बहुत ही अच्छा दिखेगा आपको। तो ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये एप्लीकेशन आप जरूर यूज कीजिएगा, इस सबसे बेस्ट एप्लीकेशन मुझको। देखिए मैंने इस तरह किया, उसके बाद डन के बटन में क्लिक कर देते हैं, देखिए आप पूरी तरह हो गया। देखिए इसमें आप देख सकते हैं पूरा क्लियर आ जाता है, जैसे कि मैंने फोटो खींचा उसी प्रकार यहाँ से देख सकते हैं पूरी तरह इसमें, देखिए पूरा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपना जो भी आईडी है, आपका पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ यहाँ से आराम से इसके द्वारा आप कर सकते हैं। देखिए मेरे में इसमें सेफ हो चुका है। तो यहाँ से आप जो है कभी भी जोड़ा पड़ जाता है आपका एडिसेंस जो है आपका वेरीफाई करने के लिए, एक यहाँ से आप आराम से फोटो स्कैन करके यहाँ से आप आराम से दे सकते हैं। तो इसी प्रकार आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ओके मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, फाइन। आई होप कि दोस्तों ये आज का ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दे। तो इसी प्रकार आप ये जो है एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है दोस्तों, सबसे बेहतर मुझे यही लगा दोस्तों।
तब तब मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।